सभी को नमस्कार। मैं भगत सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर। मैं आपके सामने आज उपस्थित हूँ बीएससी फाइनल ईयर के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्लाइट अडेप्टेशन इन बर्ड्स। इससे पहले टॉपिक में हमने इसी के बारे में बात करी थी। हमने बताया था कि किस प्रकार एवोल्यूशन मैकेनिज्म के थ्रू जितने भी जीव हैं उनमें उत्तरोत्तर अडेप्टेशंस देखने को मिलते हैं। जितने भी वर्टिब्रेट हैं उन सब में सबसे अच्छा एग्जांपल अगर हम अडेप्टेशन का देखना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, तो वो हमें बर्ड्स में मिलेगा। इसीलिए हमने इस टॉपिक को लिया। एग्जाम की दृष्टि से भी, अंकों की दृष्टि से भी ये बहुत ही उपयोगी टॉपिक है आपके लिए। इससे पहले हमने एक्सटर्नल अडेप्टेशंस की बात करी थी। पिछले लेक्चर में फ्लाइट अडेप्टेशन में हमने ये देखा था कि पक्षियों में अगर हम बाहरी रूप से देखें तो उनमें इस प्रकार के कैसे अडेप्टेशन हमको दिखाई देते हैं जो हमें आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। किसी पक्षी में हम देख रहे हैं, उसे छू रहे हैं। हमने ये भी बताया था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अगर सर्वाइव इस नेचर में कर रहा है तो वो बहुत सारे अडेप्टेशन की वजह से प्रेजेंट है, उसी की वजह से आज वो जिंदा है। तो जो नेचर होती है वो उन्हीं को सेलेक्ट करेगी जिसमें उसके हिसाब से रहने के लिए अडेप्टेशंस पाए जाते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल हम बर्ड्स की बात कर रहे हैं, सभी एनिमल्स में पाए जाते हैं लेकिन यहाँ पे हम बर्ड्स की बात कर रहे हैं। एक्सटर्नल अडेप्टेशन का मैंने बता दिया था आपको कि पक्षी में बाहरी रूप से ऐसे कौन से अनुकूलन हैं जो उसको उड़ने के लिए सक्षम बनाते हैं। आज हम बात करेंगे, हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरनल अडेप्टेशंस इन बर्ड्स। आंतरिक संरचना में कैसे बदलाव हुए, धीरे धीरे उनकी आंतरिक संरचना किस प्रकार से बदल गई कि वो एक बहुत अच्छे उड़ने में जो सहायक कर सके उन्हें। तो दो प्रकार के अडेप्टेशंस की हम बात करते हैं, एक्सटर्नल अडेप्टेशन और इंटरनल अडेप्टेशन, बाहरी और आंतरिक। आंतरिक की बात करते हैं, इंटरनल अडेप्टेशन की बात करते हैं हम। तो सबसे पहला हमारे पास है एडप्टेशन इन एंडोस्केलेटन। जो अंतःकंकाल होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने भी वर्टिब्रेट हैं उनमें जो अंतःकंकाल होता है वो सॉलिड होता है जो उनके शरीर को दृढ़ता प्रदान करता है। लेकिन पक्षियों में एक बहुत ही रोचक चीज हमको देखने को मिलेगी कि उनकी जो हड्डियां होती है वो न्यूमैटिक होती है, न्यूमैटिक बोन्स प्रेजेंट होती है। खोखली हड्डियां होती है, वातिल हड्डियां होती है जिनमें एयर पॉकेट्स पाए जाते हैं, हवा भरी रहती है, जो पक्षी को ब्योंसी प्रोवाइड कराते हैं, उड़ने में सहायक होते हैं, शरीर को मजबूती तो प्रदान करते ही हैं लेकिन शरीर को हल्का भी बनाते हैं। एक बहुत अच्छा अडेप्टेशन जो धीरे धीरे पक्षियों को उड़ने में सहायक होता है। तो हम एंडोस्केलेटन की बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जब एंडोस्केलेटन में आप पढ़ेंगे तो वो है न्यूमैटिक बोन्स, वातिल अस्थियां। तो इनकी जो हड्डियां होती हैं वो वातिल होती हैं, उनमें हवा की एयर पॉकेट्स पाए जाते हैं। एंडोस्केलेटन में ही बात करते हैं स्केलेटन, शुरुआत फिर से करते हैं हम। स्केलेटन में सिंगल ऑक्सीपिटल कोंडाइल पाया जाता है, जो हमारी जो सिर होता है, हमारी जो स्कल होती है वो वर्टिब्रल कॉलम पे अटैच रहती है। जिसे हम मूव करते हैं उसे, वो ऑक्सीपिटल कोंडाइल पे यहाँ पे अटैच रहती है। तो इनमें केवल सिंगल ऑक्सीपिटल कोंडाइल प्रेजेंट होता है। आगे की ओर जो इनमें जबड़े, मुंह, दांत की जगह पे सिंगल बीक पाई जाती है जो हल्का बनाती है शरीर को, भोजन करने में भी सहायक होती है। इनमें दांत नहीं पाए जाते, केवल चोंच पाई जाती है। दूसरा, लार्ज आई पॉकेट्स, इनमें सॉकेट्स प्रेजेंट रहते हैं। जो उनकी आंखें होती हैं, स्कल के जो सॉकेट होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं जिनमें आंखें व्यवस्थित रहती हैं। बायनोक्युलर विजन इनको देते हैं, वो स्टीरियोस्कोपिक विजन इनको प्रोवाइड कराते हैं। बहुत ऊंचाई से, बहुत दूरी से अपने ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। वर्टिब्रल कॉलम की बात करें तो बहुत अच्छा मॉडिफिकेशन हमको देखने को मिलेगा। वर्टिब्रल कॉलम में जो इनके वर्टिब्रा होते हैं उनके बीच में सैडल जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं जो इनको ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाते हैं। इनका जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है वो आपस में फ्लेक्सिबल होते हैं, अपनी चोंच को शरीर के किसी भाग में घुमा सकते हैं गर्दन से। प्रीनिंग में ये हेल्प करते हैं, अपनी चोंच को किसी भी भाग में ले जा सकते हैं। इसी प्रकार इनके थोरेसिक और कॉडल वर्टिब्रा होते हैं वो फ्यूज्ड होते हैं। कॉडल वर्टिब्रा फ्यूज होकर पाइगो स्टाइल नामक संरचना बनाते हैं। इस पाइगो स्टाइल पे पीछे की ओर जो कुछ कशेरुकाएं पाई जाती हैं उन पे बहुत सारी मसल्स जुड़ जाती हैं, फ्लाइट मसल्स, पंखों को आधार प्रदान करती हैं।
इसी प्रकार थोरेसिक जो वर्टिब्रा होते हैं वो भी फ्यूज हो जाते हैं जहां पे फ्लाइट मसल्स अटैच रहते हैं। इस प्रकार इनमें फ्यूज्ड वर्टिब्रा का एक नया पैटर्न हमको देखने को मिलता है। किसमें? बर्ड्स में, वर्टिब्रल कॉलम में। सबसे पहला हमने एंडोस्केलेटन की बात करते हैं, न्यूमेटिक बोन्स में स्कल आता है, स्कल में ये हमने देखा वर्टिब्रल कॉलम, देन अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में हम बात करते हैं जो पक्षियों के अग्रपा पैर होते हैं, जो फोर लिम्ब है वो उड़ने के लिए ट्रांसफॉर्म हुए विंग्स में, तो उनमें जो पेक्टोरल गर्डल होती है वो पेक्टोरल गर्डल आपस में जॉइंट पे उनके जंक्शन पे फोरमेन ट्रायोसियम पाया जाता है जो कि फ्लाइट मसल्स को बेस प्रोवाइड कराता है। इसी प्रकार इनमें जो फ्लाइट मसल्स होती हैं वो बहुत सारी फ्लाइट मसल्स होती हैं। हम देखें एक 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 आइडिया की बात करें तो पूरा जो पक्षी है उसका जो पूरा वजन है उसके आधे भाग में, मान लो उसमें मान लो 1 किलोग्राम वजन है तो 500 ग्राम उसमें फ्लाइट मसल्स होंगे, पूरे वजन का आधा भाग फ्लाइट मसल्स बनाती है उड़ने में जो सहायक होती है। फ्लाइट मसल्स लगभग 9-10 प्रकार की होती हैं, उसमें मुख्य रूप से पेक्टोरल्स माइनर और पेक्टोरल्स मेजर दो प्रकार की मसल्स होती हैं। माइनर और मेजर दोनों अपलिफ्ट और डाउन लिप में ये काम करती हैं, ऊपर उड़ने में नीचे आने में उनको हेल्प कराते हैं। तो दो प्रकार की इसमें मुख्य रूप से उड़ने में सहायक करने वाली मसल्स होती है, पेक्टोरल्स माइनर एंड पेक्टोरल्स मेजर। इसी प्रकार ये था एंडोस्केलेटन की बात जो कि पक्षी को बहुत ही उड़ने में सक्षम बनाते हैं, उसको फिट बनाते हैं एरियल एनवायरनमेंट के लिए। आगे बात करते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम की। कोई भी बर्ड होगा वो बहुत ही फास्ट फीडर होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं, उनकी मेटाबॉलिज्म इतनी फास्ट होती है, जो भी वो खाते हैं बहुत जल्दी डाइजेस्ट करते हैं और एक्सक्रीटरी वेस्ट भी बहुत जल्दी वो फ्रीक्वेंटली एक्सक्रीट करते रहते हैं, बॉडी में स्टोर नहीं करते वो। ये भी एक फ्लाइट एडेप्टेशन का पार्ट है। आप डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो उनमें गिजार्ड पाया जाता है जो भोजन को पीसने का काम करती है। डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत अच्छे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो बहुत जल्दी भोजन को पचा लेते हैं, मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा हाई पाई जाती है उनकी। जल को अवशोषित करने के लिए उनमें जो कॉपरोडियम पाया जाता है उनमें, वो जल को अवशोषित करने में सहायक होता है क्योंकि ये जल की कमी में रहते हैं, इनको जल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होता है इसका। बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम की, ये भी बहुत आवश्यक है। कोई भी पक्षी जब उड़ेगा उसकी मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा होगी तो उसे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा होगी। हर एक सेल के लिए ऑक्सीजन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा पहुँचनी चाहिए ये इंश्योर करने के लिए इनकी आरबीसी में ब्लड कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये पॉइंट नोट करने वाली बात है यहाँ पे, ऑक्सीजन इनकी आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, इसीलिए क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड को अपने अंदर हीमोग्लोबिन को फिल कर सके। इनके जो लंग्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, लंग्स के साथ एएसएक्स जुड़े रहते हैं, वायु कोश जुड़े रहते हैं जो ऑक्सीजन को भरने में तो सहायक होते ही हैं, साथ ही साथ जब ये पक्षी उड़ रहा होता है तो उसे ब्योन्सी प्रोवाइड कराते हैं, उत्प्लावकता प्रदान कराते हैं जिससे कि वो आसानी से हवा में उड़ सके। तो इनके जो लंग्स होते हैं वो विद एएसएक्स पाए जाते हैं, किसी में भी नहीं पाए जाते और में आप देखेंगे वर्टिब्रेट में, ये जो ऐसे वर्टिब्रेट हैं जिनमें ये लंग्स इतने एफिशिएंट होते हैं क्योंकि इनके उड़ते टाइम बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए, मैंने बताया कि ब्लड में आरबीसी जो होती है उनकी ब्लड कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, हीमोग्लोबिन उनके अंदर कंटेंट ज़्यादा होता है, जो हार्ट होगा कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड होता है और डबल सर्कुलेशन पाया जाता है, प्योर इम्प्योर ब्लड अलग अलग सेपरेट रहते हैं और हर एक सेल्स तक ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई हो सके इसको इंश्योर किया जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा। तो सर्कुलेटरी सिस्टम भी पूरी तरह से एफिशिएंट में पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, वार्म ब्लडनेस, जितने भी वर्टिब्रेट हैं हम जानते हैं सभी गर्म हृदय वाले हैं, वार्म ब्लड वाले हैं, इनका जो तापमान होता है वो बाहर के तापमान से प्रभावित नहीं होता, ये अपने तापमान को रेगुलेट करते हैं, फिक्स रहता है। लेकिन पक्षियों में सभी वर्टिब्रेट की तुलना में टेम्परेचर अधिक पाया जाता है, लगभग 109 या 110 फॉरेनहाइट तक इनमें प्रेजेंट रहता है, इसीलिए इनकी वार्म ब्लडनेस इनको एडवर्स एनवायरनमेंट में भी इनको जिंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरत होती है क्योंकि इनकी मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा होती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है, वाटर को बहुत ज़्यादा कंजर्व करते हैं, इनके जो किडनीज होती हैं उनमें हेनलोज ल्यूब जो होते हैं जो वाटर कंजर्वेशन के लिए बहुत ज़्यादा वेल डिफाइंड फंक्शन रखते हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं।
और इनमें एक्सक्रीटरी वेस्ट के साथ में यूरिया जो होता है, कह सकते हैं यूरियोटाइल की तरह ये काम करते हैं, यूरिक एसिड के फॉर्म में ये उसको निकालते हैं कुछ पक्षी। नर्वस सिस्टम बहुत ही ज्यादा वेल एफिशिएंट होगा, बाहर की वातावरण की जो संवेदनाओं को ग्रहण करने के लिए इनका नर्वस सिस्टम पूरी तरह से डेवलप होता है, बहुत अच्छे सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं, आई साइट विजन इनका बहुत ज्यादा अच्छा होता है, दूर से ही देखने के लिए, शिकार करने के लिए और शिकार से बचने के लिए, शिकारी से बचने के लिए, दोनों ही तरीकों से इनमें नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा एफिशिएंट और बहुत ज्यादा शार्प होता है। बात करें रिप्रोडक्टिव सिस्टम की पक्षियों में, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फिनोमेना कि इनके जो बाई और जो लेफ्ट जो किडनी होती है वो ही पाई जाती है, बाई तरफ किडना से ही पाए जाते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं जिससे कि वजन को कम किया जा सके, लेफ्ट साइड में ईयर सैक्स डेवलप हो जाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है जिससे कि पक्षी का वजन कम कर दिया जा रहा है। तो ये सारे पॉइंट थे कि फ्लाइट एडेप्टेशन में, इंटरनल एडेप्टेशन में कौन कौन से किस तरह से हम पॉइंट वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। इससे पहले हमने एक्सटर्नल एडेप्टेशन को देखा था, आज के इस जो लेक्चर में हमने इंटरनल एडेप्टेशन को देखा और इसमें सभी को हमने पॉइंट वाइज स्टडी किया। आपके लिए असाइनमेंट में आपको ये करना है कि जो भी मैंने आपके सामने फ्लो चार्ट में इसको मैंने एक्सप्लेन किया है, इन सभी को आपको डिटेल में डिस्क्राइब करके नोट्स बनाने हैं और मुझे चेक कराने हैं वो चीज़। तो आज के लिए इतना ही, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्लाइट एडेप्टेशन इन बर्ड्स आज कंप्लीट होता है, अगले लेक्चर के साथ मैं उपस्थित होऊंगा, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।